आज के समय स्वास्थ्य के प्रति सजग या हेल्थ कॉन्शियस हर कोई होना चाहता है, और आजकल एक ट्रेंड चलता है स्प्राउट्स का, यानी कि मॉर्निंग में सुबह सुबह स्प्राउट्स खाइए और हेल्दी रहिए। ये सभी जानकारियां हम तक गूगल, यूट्यूब या कहीं की न्यूज़पेपर के आर्टिकल इत्यादि के माध्यम से पहुंचती हैं, और इन जानकारियों में इतना विस्तार नहीं होता। या तो इसमें फायदा 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 ही दिखा दिया जाता है, या किसी चीज का नुकसान 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 ही बता दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका दूसरा पहलू हमसे छूट जाता है। आयुर्वेद ना ही किसी चीज का पूर्ण समर्थन करता है, ना ही पूर्ण विरोध करता है। वो कहता है कि सिचुएशन और कंडीशन के हिसाब से चीजों का यूज होना चाहिए। अगर एक चीज किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो वही चीज दूसरे व्यक्ति के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। आज हम इन्हीं स्प्राउट्स या अंकुरित अनाज के ऊपर बात करने वाले हैं कि कितना ये हमारे लिए लाभदायक होता है, क्या हमें रोज खाना सही रहता है, किस तरीके से खाना चाहिए, या क्या क्या हमें ये दुष्परिणाम भी दे सकता है। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल सनातन मार्ग। सनातन मार्ग चैनल देता है आपको आयुर्वेद संबंधित शुद्ध जानकारियाँ आयुर्वेद के ग्रंथों से। यदि आप आयुर्वेद की सही सटीक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आयुर्वेद के विस्तार के लिए शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अक्सर हम स्प्राउट से अंकुरित अनाज के फायदे सुन करके इसे डेली डाइट में यूज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम ये जानने का प्रयास नहीं करते क्या ये सभी के लिए यूजफुल है। अगर है भी, तो इसके सेवन करने का सही तरीका क्या है। जनरल तौर पर हम इसमें चना, मूंग इत्यादि जैसी दालों का यूज करते हैं। बाकी ऐसे तो और भी इसमें सीड्स यूज किए जाते हैं बहुत सारे, जैसे मेथी हो गया, मूली हो गया, या मूंगफली इत्यादि जैसी चीजें होती हैं। चरक संहिता अन्नपान विध्यम अध्याय के शमी धान्य वर्ग में इन सभी दालों का वर्णन किया गया है, और उसकी प्रकृति और हमारे शरीर पर प्रभाव के बारे में बतलाया गया है। अगर बात करें हम चना इत्यादि की, यानी कि चना, मसूर, खेसारी, मोठ या कहीं की मटर इत्यादि की, तो ये सभी चीजों के बारे में आयुर्वेद ऐसा कहता है कि ये प्रकृति में शीतल होती हैं, यानी कि ठंडे स्वभाव की होती हैं। साथ ही साथ ये मधुर और कषाय, यानी कि मीठे और कसैला इनका स्वाद होता है, और ये पचने में थोड़ी हल्की तो होती हैं, लेकिन ये हमारे शरीर में ड्राइनेस पैदा करने वाली होती है, यानी कि रुक्षता पैदा करती है, शरीर को ड्राई करने का काम करती है। जैसे ही हमारी आंतों तक पहुंचती है, वहां से शरीर के अंदर ड्राइनेस बढ़ने लगती है, और आंतों से ड्राइनेस हमारे पूरे शरीर तक पहुंचती है, शरीर ड्राई होता है, और ड्राइनेस वायु को बढ़ाने का काम करती है। हमारे शरीर में वात संबंधित जो भी डिसऑर्डर है उन्हें ये बढ़ा देती है। वहीं सिर्फ उड़द और कुलथी, यानी कि ब्लैक ग्राम और हॉर्स ग्राम को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी दालें हमारे शरीर में वायु को बढ़ाने का, रुक्षता बढ़ाने का काम करती हैं, यानी कि हमारे शरीर में गैस, ब्लोटिंग या कहें कि जॉइंट्स पेन इत्यादि जैसी समस्या कर सकती है। अगर वहीं बात करें मूंग की, तो मूंग भी लघु और शीतल, यानी कि पचने में थोड़ी हल्की ठंडी दाल होती है, और रुक्षता बढ़ाने का ये भी काम करती है, हमारे शरीर में ड्राइनेस को ये भी क्रिएट करती है। उतनी नहीं करती है जितनी बाकी चना इत्यादि दालें करती हैं, लेकिन फिर भी इससे बॉडी में अगर कंटिन्यू इसको कंज्यूम किया जाए तो ड्राइनेस बढ़ती है। और ये जो भी गुण बतलाए गए हैं, ये अग्नि संस्कार करने के बाद हैं, यानी कि इनको अच्छे से पका लेने के बाद, वरना कच्चे स्वरूप में तो ये पचने में भारी ही होते हैं। तो जितने भी आप स्प्राउट्स का सेवन करते हैं, चना, मूंग इत्यादि का, ये पचने में गुरु यानी कि भारी होते हैं, आपकी बॉडी में ड्राइनेस यानी कि रुक्षता पैदा करने वाले होते हैं। ये आपकी आंखों के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे इसको लगातार हम खाते हैं, शरीर में ड्राइनेस बढ़ती है, ड्राइनेस के कारण वायु बढ़ती है, और वायु के कारण आंखों की रोशनी हमारी घटती है या कम होती है, तो आंखों के लिए इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। कई लोग कहेंगे कि इसके अंदर प्रोटीन या बहुत सारे विटामिन होते हैं, तो ये आंखों के लिए कैसे बुरी हो सकती है, क्योंकि आयुर्वेदा जो है भौतिक गुणों पर ज्यादा ध्यान देता है, यानी कि यह शरीर में ड्राइनेस पैदा कर रही है, या शरीर में चिकनाई ज्यादा पैदा कर रही है, या गर्म कर रही है, या ठंडा कर रही है, इसके ऊपर आयुर्वेद का फोकस रहता है। अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, उड़द और चना दोनों ही दालें हैं, दोनों के अंदर प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन अगर आयुर्वेद का नजरिया देखेंगे तो यहाँ पर उड़द हमारे शरीर को बढ़ाने का काम करता है, यानी कि यह कफ और पित्त की वृद्धि करता है, जिससे शरीर हमारा बढ़ता है, वजन बढ़ता है, वेट गेन होता है। लेकिन वहीं अगर चने के ऊपर आ जाए तो ये कफ पित्त का नाश करता है, यानी कि वायु और ड्राइनेस को बढ़ाने का काम करता है। वहीं उड़द जो है ड्राइनेस को नहीं बढ़ाती, हमारे शरीर में स्निग्धता बढ़ाने का काम करती है। तो इसलिए चना हमारे वजन को घटा सकता है, ये डायबिटीज के अंदर बहुत अच्छा काम करता है, कफ की बीमारियों के अंदर इसका उचित प्रयोग किया जाता है। अगर मॉडर्न टाइम में न्यूट्रिशनिस्ट की बात करें तो वो तो ऐसा ही कहेंगे कि चने में भी प्रोटीन है, उड़द में भी प्रोटीन है, लेकिन आयुर्वेदा ऐसा कहता है प्रोटीन वोटीन तो दोनों में होगा, लेकिन इसकी जो प्रकृति है, नेचर है, बॉडी के अंदर जैसा इफेक्ट लाएगी उसी प्रकार का उसका काम हुआ।
तो ये ड्राइनेस के कारण चना हमारे शरीर को घटाता है और उड़द हमारे शरीर को बढ़ाने का काम करता है, स्निग्धता। अंकुरित अन्न आयुर्वेद के हिसाब से विदाही होते हैं, यानी कि जलन पैदा करने वाले होते हैं। अगर आपको पहले से कोई हीट का डिसऑर्डर है, शरीर में बहुत जलन होती है, पेट में जलन होती है, एसिडिटी जैसी समस्या होती है, तो अंकुरित अनाज इसको और बढ़ा सकता है। अगर मॉडर्न वे में स्प्राउट से अंकुरित अनाज की बात करें, तो जब भी किसी सीड या बीज से अंकुर निकल रहा होता है, जब वो अंकुर निकलता है तो आगे जाके एक वो बड़ा पौधा में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन शुरुआत में जब वो बड़ा हो रहा होता है तो अपनी ग्रोथ के लिए जो फूड है या खाना है अपने बीज से ही लेता है। बाद में जब उसके अंदर रूट्स आ जाती हैं, जड़ें आ जाती हैं, मिट्टी में चली जाती हैं, तो मिट्टी से न्यूट्रिशन लेने लगता है। यानी जब वो अंकुरित हो रहा होता है, बिल्कुल फूट रहा होता है उसमें अंकुर, उस समय उस बीज के अंदर ही फर्मेंटेशन होता है, यानी कि वो सड़ता है और उसी से वो उस पौधे की यानी स्प्राउट्स की ग्रोथ करता है। जैसे हमारे घर में प्याज या आलू के अंदर अंकुरण फूट रहा होता है, तो जब वो आलू नए पौधे को जन्म देता है तो खुद को समाप्त कर रहा होता है, इसलिए हम उसका सेवन नहीं करते हैं, ऐसी चीजों को फेंक देते हैं। फर्मेंटेशन के दौरान इसके अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया पैदा होने लगते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं। जापान की खबर के अनुसार जब वहां पर ई कोलाई नामक बैक्टीरिया से फूड पॉइजनिंग फैला, यानी कि ई कोलाई की बहुत सी वैरायटी होती है, ये हमारे आंतों में भी होते हैं, हमारे लिए अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ इसकी वैरायटी खराब होती है, उसके थ्रू हमारे शरीर में इन्फेक्शन फैल सकता है। ई कोलाई 157S7 हमारे आंतों में संक्रमण पैदा करके फूड पॉइजनिंग कर सकता है। इसीलिए जब इस बैक्टीरिया से जापान में फूड पॉइजनिंग फैली, तो उन्होंने अपने स्प्राउट जो मूली के रखे हुए थे स्टोर के अंदर बेचने के लिए, तो वो हटा दिए, ताकि इसके कारण ये कोलाई बैक्टीरिया जो है आगे और ना बढ़ सके और बहुत ज्यादा संक्रमण ना कर सके, क्योंकि 6000 से अधिक बच्चों को वहां पर बीमारी हो चुकी थी और एक बच्ची की जान भी जा चुकी थी। ये तो बात हुई कि स्प्राउट्स के बारे में इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है मॉडर्न साइंस के हिसाब से, या कहें कि आयुर्वेदा के भी हिसाब से। अब बात करते हैं इसको यदि सेवन करना भी है तो कौन लोग करें और किस अवस्था में करें और किस तरह से तैयार करें। यह पचने में क्रूर यानी कि भारी होता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पाचन वाले इसका सेवन करें, यानी कि जो एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, या बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम वाले काम करते हैं, जिनका डेली रूटीन में काम ही बहुत ज्यादा मेहनत का है, मजदूरी वगैरह जो भी कहें कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं, उनके लिए ये ठीक हो सकता है, वो इसे पचा सकते हैं। अगर आपका वजन पहले से ही कम होता जा रहा है, आपको डाइजेशन प्रॉब्लम है, आपको ब्लोटिंग होती है, गैसेज होती है, खाना सही से पचता नहीं है, भूख अच्छी नहीं लगती है, और आप सिर्फ इसके फायदे देख करके स्प्राउट्स को लेना शुरू कर देंगे, तो ये आपके लिए और खतरनाक होगा, क्योंकि ये पचने में और भारी होता है। अगर आपका डाइजेशन पहले से ही कमजोर है तो ये इसे आसानी से पचा नहीं सकता है, तो ये आपको और भी गैसेज, ब्लोटिंग, एसिडिटी जैसी समस्या दे देगा। काफी छोटे बच्चे या काफी उम्र दराज लोग, जो बूढ़े लोग हैं, उनका डाइजेशन काफी वीक होता है, तो इसलिए इन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, इससे बच के ही रहना चाहिए। और काफी जिनका स्ट्रॉन्ग डाइजेशन है उनको भी रेगुलर यूज से इसके बचना चाहिए, क्योंकि यह गुरु होता है तो आपके पाचन को धीमा करता चला जाए। और फिर भी यदि आप कभी कभार भी इसका यूज करते हैं और चाहते हैं कि फ्यूचर में आपका पाचन खराब ना हो, अच्छा बना रहे, तो आयुर्वेदा ऐसा कहता है कि इसका अग्नि संस्कार कर लीजिए। अग्नि संस्कार यानी कि थोड़ा इसको और हल्का कर लीजिए पचने के अंदर। कैसे? आप इसको घी में या किसी तेल में अच्छे से भून लीजिए, यानी कि जब भी आप स्प्राउट्स खाएं उससे पहले आप इसको घी या तेल में अच्छे से थोड़ा सेक लें, थोड़ा ये नरम हो जाएगा, और घी हमारे पाचन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, ये चीजों को अच्छे से पचा देता है, तो स्प्राउट्स आपको ना ही गैस करेगा ना ब्लोटिंग करेगा, और आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, आपका डाइजेशन ये डैमेज नहीं करेगा। बहुत अधिक इसको अंकुरित करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि जितना लंबा लंबा इसमें अंकुरण निकलेगा उतना ही हमारे लिए हेल्दी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना लंबा अंकुरण निकलेगा उसके लिए उतना लंबा वो समय भी लेगा, और जितना लंबा समय लेगा तो फर्मेंटेशन यानी कि उसके अंदर सड़न बहुत ज्यादा होगी, और उसके थ्रू बहुत सारे बैक्टीरिया उसके अंदर पैदा हो जाएंगे, जिसमें से कुछ हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होते हैं। इसलिए कम से कम अंकुरण करें इसका, यानी कि शाम को भिगोए और सुबह तक जितना भी अंकुरित हुआ है उसको अच्छे से घी या तेल में सेक करके उसका सेवन कर लें। तो ये थे अंकुरित अनाज के बारे में, यानी कि किन लोगों को इसका सेवन करना चाहिए, किन लोगों को इसके सेवन से बच के रहना चाहिए और किस तरह से इसका सेवन करना चाहिए, और हो सके तो रेगुलर अंकुरित अनाज का सेवन करने से बचें, वो आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। वीक में एक दो बार कर सकते हैं, जो तरीका आयुर्वेद ने बताया है उसके हिसाब से। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचे। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।